हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का है, एक ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे, एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप। ये ग्रुप क्या है, एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए ये कैसे मदद करता है और आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मेरे साथ क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। अब देखिए, पहले हम इस टॉपिक की रेलेवेंस की बात करेंगे। मेंस पेपर 3 में ये टॉपिक आपका कवर होता है, कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में। ऑब्जेक्टिव लेवल पर अगर बात करें या जितने भी आपके बाकी गवर्नमेंट लेवल एग्जाम्स हैं वहाँ पे एमसीक्यूज जो हैं वहाँ पे एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप के बारे में आपको पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव लेवल पर आपको मालूम होना चाहिए एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट देशों की गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है इसके लिए और स्पेशली इंडिया क्या कर रहा है। जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में आपने सुना होगा, उसके बाद गज यात्रा थी उसके बारे में आपने सुना होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इस ये जो आपको इस ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ से लेकर इस साल प्रोमिनेंट जो भी चीज़ें एलिफेंट कंजर्वेशन को लेकर हुई हैं या क्या फैक्ट्स हैं हमारे सामने, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, क्योंकि 10th एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप की जो मीटिंग है वो मलेशिया में कोटा किनाबालू में चल रही है, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मीटिंग के, उसको भी डिस्कस करेंगे और इसीलिए ये अभी न्यूज़ में है और एग्जाम में पूछे जाने के इसके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चलिए इस ग्रुप के बारे में बात करते हैं। पहले तो आप इस पिक्चर को देखिए, जो ये इसका ए ई, इसको शॉर्ट में देखिए ए स्मॉल एस ई एस जी लिखा जाता है। जो ए एस है ये एशिया के लिए है, ई एलिफेंट के लिए है और स्पेशलिस्ट ग्रुप मतलब एस जी, इसलिए इसको ए ई एस जी शॉर्ट में कहा जाता है। अब इस ग्रुप के बारे में देखिए, IUCN के साथ है ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जहाँ पे जितने भी एलिफेंट स्पेशलिस्ट हैं वो किसके बारे में स्टडी और रिसर्च कर रहे हैं कि एलिफेंट्स को किस तरह से मॉनिटर करना है, कैसे मैनेज करना है, और जो कंजर्वेशन की बात है स्पेशली जो आपके एशियन एलिफेंट्स हैं जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफास मैक्सिमस। ओके, और ओवरऑल एम की अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन प्लान्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं इस ग्रुप के अंदर। इनका यही काम रहता है ताकि इनकी, जैसे एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है पीछे समय में काफ़ी कम हो गई, इनकी पॉपुलेशन का स्तर काफ़ी नीचे गिर गया, तो इनका मेन काम यही है कि एलिफेंट की पॉपुलेशन को किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं। अब देखिए IUCN की रेड लिस्ट में के अंदर ये लोग काम करते हैं, जो AESCG है ये रेड लिस्ट अथॉरिटी है एशियन एलिफेंट्स के लिए, और जितने भी असेसमेंट हैं जो रेड लिस्ट के अंदर होते हैं उस पर ये लोग काम करते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि IUCN की रेड लिस्ट में होने का क्या मतलब है। अब देखिए, इसके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत सारी जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी डेवलपमेंट में काम किया है, जैसे साइट्स हो गया। साइट्स क्या है आपका, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज की ट्रेड होती है, जैसे एलिफेंट्स को किस लिए मारा जाता है, उनकी टस्क्स के लिए इनको बहुत बार इलीगल ट्रेडिंग जो एलिफेंट्स की है वो की जाती है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करते हैं। देखो साइट्स के अंदर ये किस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, माइक शॉर्ट में उसको बोलते हैं, माइक का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स की, यानी जो इनको इलीगल किलिंग होती है एलिफेंट्स की उसको रोका जा सके। और इनफैक्ट ETIS क्या है आपका, द एलिफेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए ये जो ग्रुप है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब हम चलते हैं इस ग्रुप की मेंबरशिप को लेकर। तो देखिए आज के टाइम पे यहाँ पे 110 वॉलंटियर मेंबर्स हैं 18 कंट्रीज में से, और इसको लीड कौन कर रहा है, विवेक मेनन है इंडिया के, वो इसके लीडर हैं जो इसको आगे चला रहे हैं, चेयरमैन हैं। और जितने भी AESG के मेंबर्स हैं एक्टिवली वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं जो भी एलिफेंट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। और उसके बाद देखिए, अपार्ट फ्रॉम ये जो मेंबर्स हैं 110 वॉलंटियर जो हैं 18 कंट्रीज से, इसके सिवाय भी कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। एक्स ऑफिशियो देखो हम किस लिए बोलते हैं, कि अपनी चेयर के कारण, अपनी नौकरी के कारण वो अल्टीमेटली इसके मेंबर्स बन जाते हैं, जैसे कि जितने भी आपकी रेंज स्टेट्स हैं वहाँ से
उन जो ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि एलिफेंट कंजर्वेशन देश में, एक देश में इसकी देखरेख करते हैं। और उसके बाद जो इसकी मेंबरशिप है इसको टाइमली रिव्यू किया जाता है और रीअपॉइंट भी किए जाते हैं मेंबर्स। ऑलमोस्ट आप लगा दिए हर चार सालों में यहाँ पे मेंबर्स को रीअपॉइंट किया जाता है। तो अभी तक हमने इस ग्रुप के बारे में बात की, अब बाकी जो इश्यूज इस साल रहे हैं एलिफेंट्स को लेके उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसकी जो मीटिंग है मलेशिया में हुई है, यहाँ पे जो मेजर इश्यूज इन्होंने डिस्कस करने थे वो क्या था कि हर देश के नेशनल प्लान्स जो हैं वो क्या रहेंगे एलिफेंट कंजर्वेशन को लेके रेन स्टेट्स के द्वारा, उसके बाद किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं हम अपना सकते हैं अगर हम इनकी जो स्पेशली क्या रहता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बना लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है हम जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों को काटने से क्या हो रहा है कि एलिफेंट जिन जंगलों पे डिपेंड करते थे अब उनको वहाँ पे रहने की जगह नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, तो वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, शहरों की तरफ या विलेजेस की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन है। जब एलिफेंट विलेजेस में एंटर करते हैं तो विलेजर्स के द्वारा जो उनके खेत होते हैं वहाँ पे ये फसलों को तबाह कर देते हैं, और फिर कई बार वायरिंग के थ्रू वैसे विलेजेस इनको इलेक्ट्रोक्यूशन जो होती है एलिफेंट्स की वो हो जाती है, क्योंकि वो वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी लगा देते हैं अपने क्रॉप्स के आगे पीछे। तो अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन है इनकी एलिफेंट्स की वो कम हो रही है, और ये कन्फ्लिक्ट हम ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कैसे कम कर सकते हैं ये इशू इन्होंने डिस्कस करना था। उसके बाद कि क्या क्या मैकेनिज्म्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं ग्रुप मेंबर्स को और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि जो इलीगल किलिंग है एलिफेंट्स की उसको रोका जा सके, यानी यहाँ पे हम कम्युनिटी को अवेयर करके इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि जो ये लोग जानवरों को सिर्फ उनके टस्क्स के लिए मार रहे हैं, उनके स्किन के लिए मार रहे हैं, तो जो लोग हैं वो भी थोड़े विजिलेंट रहें और इस तरह की इल्लीगल ट्रेडिंग को हम रोक सकते हैं, ये इशू डिस्कस होना था। उसके बाद जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं, यानी जो एलिफेंट्स आपके जू में यूज़ होते हैं या जो लोग उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, जो कैप्टिव एलिफेंट हैं उनका ध्यान हमको कैसे रखना है, और ये चीज़ हम अफ्रीका के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। और इसके बाद और क्या क्या हमारे पास नए चैलेंजेस हैं एलिफेंट कंजर्वेशन को लेकर, जैसे इलेक्ट्रोक्यूशन की मैंने बात की, उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी क्या किया था, जो एलिफेंट्स थे उनके गले में कुछ चिप्स डाल ली थी, और जैसे ही एलिफेंट्स आपके विलेज के पास आने लगेंगे, आपके खेतों के पास आने लगेंगे, तो क्या होगा, आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा कि एलिफेंट आ रहा है, राइट? तो आप समझ लीजिए वह मैसेज आपको एलिफेंट की तरफ से आ रहा है। तो एटलीस्ट इससे हम ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें, राइट? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं सारे वो टॉपिक ले रही हूँ 2019 के जो एलिफेंट कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप की हमने बात की, ये सबसे रीसेंट है। उसके बाद अब हम आ रहे हैं एशियन एलिफेंट अलायंस पे। ये एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है जो कि 5 NGO द्वारा शुरू किया गया। ये 5 NGO एक साथ आए और इन्होंने एलिफेंट्स के लिए कॉरिडोर्स बनाने की बात की, और जो 96 कॉरिडोर्स हैं, टोटल 101 कॉरिडोर्स हैं, उनमें से 96 कॉरिडोर्स को, जो एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स हैं जो एलिफेंट्स यूज़ करते हैं 12 स्टेट्स में, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि उन कॉरिडोर्स को हमने कैसे सिक्योर करना है। तो ये जो जॉइंट वेंचर है इसका यही एम है कि 96 रिमेनिंग एलिफेंट कॉरिडोर्स जो हैं पुराने और नए, उनको नेक्स्ट 10 सालों में हमने प्रोटेक्ट करना है। अब नेक्स्ट सवाल है कि आफ्टर ऑल ये एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये नैरो स्ट्रिप्स हैं लैंड की, जो कि दो बड़े हैबिटेट्स के को जोड़ती हैं। यानी सपोज एक हैबिटेट एलिफेंट का यहाँ पे है, एक एलिफेंट का हैबिटेट यहाँ है, बीच में हो सकता है ह्यूमन पॉपुलेशन हो, रोड्स हो, आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, और ये एलिफेंट्स एक जगह एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में क्रॉस करते हैं, और ये जो पैसेज है इसको हम एलिफेंट कॉरिडोर्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे ह्यूमंस होंगे या ह्यूमन पॉपुलेशन होगी तो आप देख सकते हैं फिर से हमको ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। अब इन कॉरिडोर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे मेंटेन करना है, इसकी बात हो रही है। और देखिए एलिफेंट कॉरिडोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर हम चाहते हैं
कोई भी एनिमल फैटलिटीज़ जो होती हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोकने के लिए, चाहे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई बार रोड से ये लोग गुजरते हैं और रात को गाड़ियाँ इनको मार देती हैं, इस वजह से भी इनकी पॉपुलेशन कम होती है, और बाकी रीजंस भी हो सकते हैं. उसके बाद जिस तरह से फ्रेगमेंटेशंस हम फॉरेस्ट की कर रहे हैं और माइग्रेटरी कॉरिडोर्स जो हैं उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो वही अप्रोच हमको एलिफेंट कॉरिडोर्स के लिए भी लगानी है. अब सवाल ये है कि आफ्टर ऑल क्यों प्रोटेक्ट करना है कॉरिडोर्स को हमने. तो देखिए, ये जो मूवमेंट है एलिफेंट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके पॉपुलेशन के लिए और जेनेटिकली वो वायबल रहें, और इससे जो फॉरेस्ट है वो भी रीजेनरेट होते हैं. जो स्पीशीज़ है, चाहे वो टाइगर की स्पीशीज़ है, वो भी इन पर डिपेंड करती है, क्योंकि को एग्जिस्टेंस कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमको एलिफेंट कॉरिडोर्स को मेंटेन करना है. अब देखिए, अराउंड 40% आपके एलिफेंट रिजर्व्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, यानी वो प्रोटेक्टेड पार्क्स के अंदर नहीं आते, प्रोटेक्टेड सेंचुरीज के अंदर नहीं आते. और उसके बाद जो आपके माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं उनके लिए भी आपके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है कि एलिफेंट कॉरिडोर्स को हमने प्रोटेक्ट करना है. उसके बाद जो फॉरेस्ट हैं, जो कभी पहले फॉरेस्ट होते थे, जंगल होते थे, आज वो फार्म्स में तब्दील हो गए हैं. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म हो चुका है जो कि बिल्कुल अनचेक्ड है. इससे एनिमल्स का जो रास्ता है वो ब्लॉक होता है, और इसलिए एनिमल्स को वो मजबूर खुद को फील करते हैं, और कभी कभी विलेजेस से गुजरने की कोशिश करते हैं, जिससे एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है. तो ये भी एक रीज़न है कि एलिफेंट के कॉरिडोर्स को हमने सेफ रखना है, ताकि वो विलेजेस की तरफ या शहरों की तरफ ना आए. और इसके बाद एक वीक रेगुलेशन हम इको टूरिज्म का देख रहे हैं, जो कि इस तरह के हैबिटेट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है. पर्टिकुलरली इन एनिमल्स को वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये उनकी होम रेंजेस में आता है, जैसे कि एलिफेंट्स के साथ भी यही हो रहा है. तो अगर हम एलिफेंट कॉरिडोर्स को मेंटेन करके रखेंगे तो हम काफ़ी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. इसी तरह से यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 2017 में एक कैंपेन शुरू हुई थी जिसका नाम था गज यात्रा. ये आपका जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है, तब 2017 में इसको शुरू किया गया था, और 12 एलिफेंट रेंजिंग जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये यात्रा चलाई गई थी. और यहाँ पे गवर्नमेंट जो अवेयरनेस है, इस गज यात्रा का पर्पस यही था कि लोगों को अवेयर करना है और कैसे जो प्रॉब्लम्स एलिफेंट फेस कर रहे हैं लोगों को बतानी, और कैसे हम इसको कंजर्वेशन की तरफ ले जा सकते हैं. 15 महीने की ये कैंपेन थी जो कि WTI द्वारा चलाई गई थी, यानी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा. और इस कैंपेन का मेन एम यही था, अवेयरनेस का और एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में लोगों को बताने का, ताकि वहाँ पर फ्री मूवमेंट जो है एलिफेंट्स की वो रह सके. चलिए, यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं, एलिफेंट अंडरकाउंटिंग के बारे में. तो देखिए, केरला में क्या हुआ कि 2017 में जितने एलिफेंट्स यहाँ पे काउंट किए गए थे, तो यहाँ पे अराउंड आपके 2700 एलिफेंट्स तब बताए गए थे, जो सेंसस था 2017 का, राइट. लेकिन जो अब नया सेंसस हुआ है वहाँ पे और भी ज़्यादा एलिफेंट्स को बताया जा रहा है, दैट मीन्स बहुत सारे एलिफेंट्स को काउंट नहीं किया गया. उसके बाद एक सर्वे हुआ, वहाँ पे 3054 एलिफेंट्स बताए गए, और उसके बाद एक और सेंसस हुआ जहाँ पे 5706 एलिफेंट्स बताए गए. तो यहाँ पे इसका यही मतलब निकलता है कि काफ़ी सारे एलिफेंट्स को काउंटिंग से बाहर छोड़ दिया गया. देखिए, एलिफेंट सेंसस जो है वो 5 सालों में एक बार होता है. किसके अंदर? प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर. प्रोजेक्ट एलिफेंट एक बहुत बड़ा इनकी कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर 5 साल में एक बार ये सेंसस किया जाता है. और यहाँ पे काउंटिंग मेथड्स को भी ब्लेम किया गया, और या एम्प्लॉयमेंट मेथड्स को भी ब्लेम किया गया, लेकिन इसका पर्पज़ ये है कि अगर हम एलिफेंट्स को ठीक से काउंट नहीं कर पाएंगे तो पॉलिसी भी हम उसी तरीके से बनाएंगे. पॉलिसी, सपोज उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है और हम पॉलिसी बना रहे हैं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम प्रॉब्लम का पता नहीं लगा पाएंगे तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे. तो ये प्रॉब्लम भी रिसेंटली यहाँ पे देखी गई. तो देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में मैं आपको बता दूँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 1992 में, क्योंकि हमने ऑब्वियसली जो प्रोटेक्शन है एलिफेंट्स के लिए, उनके हैबिटेट्स और कॉरिडोर्स के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया. दूसरा रीज़न, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, इसलिए लॉन्च किया गया. जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो सारे का सारा फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट जो है इस प्रोजेक्ट के लिए वो देती है.
और ऑब्जेक्टिव्स इसके मैंने आपको बता दिए, और इनफैक्ट यहाँ पे आप कैप्टिव एलिफेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी इसका एक मेन एम है कि जो डोमेस्टिक एलिफेंट्स हैं या फिर जो जूज में यूज़ किए जाते हैं उनके वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है। मेन जो एक्टिविटीज़ हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर वो क्या है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की बात की जाती है, जो ऑलरेडी हैबिटेट्स एग्जिस्ट करते हैं एलिफेंट्स के या माइग्रेटरी रूट्स हैं एलिफेंट्स के, उनको रिस्टोर करना है। देखिए, चाहे जिस ग्रुप के बारे में हमने बात की या हम प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बात करें, ये चीज़ आपको आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेम रहते हैं कि हमने इकोलॉजी को रिस्टोर करना है, इलीगल ट्रेडिंग को रोकना है, कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना है, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, राइट, साइंटिफिक और जो आपके प्लांट मैनेजमेंट है कंजर्वेशन के लिए उनको, उन मेथड्स को इम्प्रूव करना है, और इको डेवलपमेंट और वेटनरी केयर की भी यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर बात की जाती है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने इस ग्रुप के बारे में पढ़ा जिसकी मीटिंग मलेशिया में चल रही है, उसके बाद एलिफेंट्स को लेकर क्या प्रॉब्लम है, क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट की भी हमने बात की। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हाय एवरीवन।